अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड हाज़रीन भाई, दिस इज़ इब्राहिम एंड बैक अगेन विद द न्यू व्लॉग। तो भाई आज हम फिर एक बस का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि फैसल मूवर की एग्जेक्टिव क्लास एग्जेक्टिव प्लस बस है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बस के अंदर हम बैठ चुके हैं और भाई साहब लाइट्स जो हैं वो बड़ी मतलब ब्लू से कलर की इन्होंने मज़ेदार सी लगाई हुई हैं। तो ये बंदा पता नहीं आते साथ ही अपनी सीट सेट करने लग पड़ा था। और जैसे कि आप देख रहे हैं एक 2x1 की बस है, मीन टू से कि भाई दो एक तरफ सीटें हैं और एक सीट एक तरफ है। तो ये भी एक मज़ेदार चीज़ है कि अगर आप मतलब ऐसे पैसेंजर्स हैं जो आपका एक सिंगल है आप या आपके साथ कोई तीन बंदे हैं लाइक, तो एक आपका बंदा वहाँ पर ईजी होकर बैठ सकता है। यहाँ पर कप होल्डर्स दे रखे हैं जो कि बिल्कुल ही आजकल आपके काम बिल्कुल भी नहीं आने वाले, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने एक वैसे तो कोई और SOPs फॉलो नहीं कर रहे, ना मास्क ना सैनिटाइज़र ना कुछ भी नहीं है और कोई गैप भी नहीं दे रहे लोगों के दरमियान में। तो बाकी कुछ छोड़ के बाकी इन्होंने रिफ्रेशमेंट को जो है वो स्किप कर दिया बीच में से, जो कि चार्ज भी कर रहे हैं। हम लोगों ने बिजनेस क्लास के टिकट्स लिए हैं बल्कि उसमें रिफ्रेशमेंट के भी चार्जेस इंक्लूड होते हैं, तो वो भी हमें नहीं दिए गए। अब एक टैबलेट दी जाती है वहाँ पर, आप उसको चार्जिंग लगा सकते हैं साथ अपने फ़ोन को। उसके अंदर आपको मूवीज़ दे रखी हैं, कुरान पाक की तलावत दी रखी है और मतलब नात वगैरह ही हैं और मतलब काफ़ी कुछ है। नहीं कि कोई भी बंदा वहाँ पर बैठा है, बच्चा है, व्हाट सो एवर उसकी एज कोई भी है, वो डिपेंड नहीं करता। आपको हर एज के रिलेवेंट आपको वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा उस टैब के ऊपर। उसके अलावा जो है वो आपको मतलब इस बस के अंदर जो है वो सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। बाकी ये है कि इन्होंने कोई भी वीडियो आप प्ले कर लो उसके अंदर इन्होंने अपनी कोई 30 सेकंड्स की ऐड रखी हुई है जो कि फैसल मूवर्स की ही है। तो जो कि इनको चाहिए था कि इस तरह से ना करते कि आप कोई भी वीडियो आप लेट से आपने कोई मतलब कोई नात प्ले कर ली है, कोई मूवी प्ले कर ली है, उसके स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आपने 30 सेकंड्स की ऐड चलती है और वो इतनी अनॉइंग है कि आपने अगर उसको छोड़ के आपने कोई और वीडियो देखनी है या आपने कुछ और देखना है, अब उसको दोबारा जब प्ले करोगे दोबारा फिर वो आपको 30 सेकंड्स की वो ऐड देगा। ये बहुत ज़्यादा अनॉइंग चीज़ है जो कि मुझे लगी है। तो अब आगे चल के मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर मतलब के फैसिलिटीज़ क्या आपको दी जाती हैं या आपको मतलब कि किस तरह से मतलब फैसिलिटेट किया जाता है या सर्विस कैसी है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो चलो चलते हैं। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि कप होल्डर्स दिए गए हैं, कप होल्डर्स का तो आजकल कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो कप होल्डर्स हैं ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ तो देनी नहीं इन्होंने, लेकिन कप होल्डर्स हैं। सिर्फ एक वाटर बॉटल दी जा रही है जो कि आप यहाँ पे लगा नहीं सकते, वो आप उसको नीचे ये जो पॉकेट सी दे रखी है इन्होंने सीट की बैक साइड पे, उसी में आप रख सकते हो इसको। तो फिर उसके बाद ये है कि आपको मतलब साथ आपको वाटर बॉटल जो है एक, वो सिर्फ उन्होंने जिस तरह से पहले ग्लासेस के अंदर दी जाती थी एक वो बस दे रहे हैं, वो भी हाफ लीटर की जो बॉटल है मिनरल वाटर, वो आपको इंडिविजुअली जो है वो सबको दे देते हैं। पहले ये होता था कि 1.5 लीटर की बॉटल होती थी, वो एक एक ग्लास में आके डाल के देते थे ठीक है। अब ये पॉकेट दे रखी है, इसमें आप अपनी चीज़ें डाल सकते हैं, मतलब उसमें आप फ़ोन रख लें अपना, मतलब कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं लाइक कोई चार्जर है कुछ भी है वो आप इसमें रख सकते हैं और मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। जो भी हैंड कैरी चीज़ें हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं और एक उसके ऊपर वो मतलब सीट के ऊपर आपको वो भी दे रखा होगा, मतलब वो शेड टाइप से होता है तो कैबिनेट्स आप मतलब, तो उसके अंदर आप अपनी चीज़ें भी रख सकते हैं। उसके अलावा फिर ये कर्टन्स हैं, कर्टन्स के साथ आपको ये क्लिप सा होता है जो कि आप बहुत अच्छी तरह ये नहीं कि कर्टन्स को क्लिप कर सकते हैं साइड पर कि आप बार बार उसे तंग ना हो। और उसके अलावा फिर आपके जो इस बिजनेस क्लास बस के अंदर यानी कि है तो एग्जेक्टिव प्लस है लेकिन 100 कॉल्ड इसका फर्स्ट पोर्शन होता है, यानी कि जो फर्स्ट सीट्स होती हैं 10 के 15 होती हैं गालबन, तो वो बिजनेस क्लास होती हैं। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये एक एसी वेंटिलेटर का वो एक वो पोर्शन है यानी कि जो कि इंडिविजुअली सीट के ऊपर होता है हर सीट के ऊपर, तो ये थोड़ा सा इन्होंने आगे करके लगाया हुआ हर सीट के ऊपर, यानी कि डायरेक्ट आपके सर के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा साइड पर। ये भी एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि एक्सेस इसको थोड़ा सा हो जाता है, दूर पड़ जाता है, यानी कि अगर आपने इसको ऑन ऑफ करना है तो थोड़ा सा उठना पड़ेगा आपको और हल्का सा मतलब आगे होके करना पड़ेगा। बाकी ये है कि अच्छा है कि अगर आपके बिल्कुल सर पे होता है तो सम टाइम ये होता है कि आपको मतलब हेडेक होने लग पड़ जाती है कि मतलब बार बार वो कंटिन्यूसली जो हवा पड़ती है आपके सर पर ठंडी, उस वजह से भी सर कुछ लोगों को होता है मसला, हर एक के साथ नहीं होता। एनी हाउ फिर ये आ जाती है टैब की बात, के टैब में ये आपको मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, तो भाई आपके भाई ने तो फिर मतलब काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया, कार्टून शार्टून भी देखे भाई,
तो वो भी आपको कार्टून्स भी मिल जाएंगे बीच में, जिस तरह मैंने आपको बताया हर एज के मुताबिक चीज़ें हैं बीच में। तो दस इज़ आर यू नो मतलब माई फेवरेट थिंग, मतलब कार्टून जो हैं वो आपके भाई को बहुत पसंद हैं आज भी, यानी कि यू नो। तो भाई काफ़ी देर ऐड चलती रही तो मैंने तंग आके मैंने सोचा उसको चलते ही रहने देता हूँ। सीट की तरफ आ जाते हैं, सीट की बात कर लेते हैं। ये साइड पे आपको दो बटन्स दे रखे हैं जो कि आपको ये नहीं कि अभी मैं ये फ्लैश ऑफ करके दिखा दूंगा कि किस तरह से ये देखें लाइट्स जल रही हैं इनमें। ये दो बटन्स हैं एक्चुअली, और जो ये दो दो लाइट्स जल रही हैं दोनों में वो ये है कि एक जो आगे वाला बटन है वो नीचे आपकी टांगों के नीचे एक रेस्ट है उसको आगे को सीधी कर देता है कि आप उसको रिलैक्स कर सकते हो। इतना सीधा हो जाता है कि आप लिटरली अपने शूज़ वगैरह उतार के इजीली आप वहाँ पे चौंकड़ी मार के बैठ सकते हो कि मतलब आपको अगर लॉन्ग रूट है तो बिल्कुल भी अब तंग नहीं होने वाली। मेरी अब टांगे देख रहे होंगे कि मैं फंस गया था, मतलब मैंने शूज़ पहने थे तो मैंने उतारे नहीं था, मतलब मुझे ख्याल नहीं था कि इतनी ज़्यादा ऊपर आ जाएगी। तो उसके बाद ये है कि उसके जो नीचे वाला बटन है उसको नीचे करेंगे तो ये सीट नीचे भी चली जाएगी। तो जहाँ पे आपको एडजस्टेबल है, जहाँ इजी लग रही है आपको, वहाँ पे आप इसको रख कर मतलब अपना मतलब रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मतलब नीचे वाला जो बटन है उसकी बात कर ली जाए तो वो पीछे टेक के बारे में है, यानी कि जो आपकी टेक है पीछे बैक साइड पे उसको मतलब हेल्प करता है आप मूव करने में। ये कुछ इस तरह से है कि बटन को क्लिक करेंगे, मतलब बटन को प्रेस करेंगे तो ये बैक पीछे जाएगी। थोड़ा सा आपको गौर से देखना पड़ेगा बिकॉज़ ये थोड़ी सी बस मूवमेंट की पोजीशन में थी तो उस वजह से ये फील नहीं हो पा रहा कि आपको शायद आई थिंक सो के हो रहा है ये पीछे नहीं। तो भाई आपके भाई ने कार्टून लगा लिए हैं, अब तो मैं तो देखने लगा हूँ कार्टून। तो फिर आगे बताता हूँ आपको चल के। मैंने वाईफाई को भी चेक किया जो कि वाईफाई जो है वो मुझे बिल्कुल भी किसी काम का नहीं लगा। बिजनेस क्लास के पैसे दो भाई और आपको वाईफाई ना मिले बस में। फैसल मूवर सो कॉल्ड ऊपर लिखा तो आ रहा है, जब उसको क्लिक करके कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो नीचे आता है कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बिकॉज बस मूव कर रही थी, कैमरा जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था, उसको फोकस नहीं कर पा रहा था। तो फिर भी आपको मेरा ख्याल है समझ आ रहा होगा, नीचे अगर गौर करेंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है के कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट। अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना है तो वो आपको अपना खुद ही अरेंज करना पड़ेगा, जैसे कि आपके भाई ने किया हुआ है। गोइंग टू मरी लिखा हुआ नीचे आ रहा है वो कि आपके भाई का इंटरनेट है। और भाई साहब इसके अलावा ये है कि फिर आपको एक टैप के अंदर आपको एक LED मिल जाती जो कि मुझे अचानक नज़र आई, मैंने सोचा आपके लिए कैप्चर कर लूँ इसको। तो ये LED आपको हेल्प करने वाली, आपकी कोई चीज़ गिर जाती है पॉकेट से तो यहाँ आपको वो मतलब मदद करेगी आपकी चीज़ ढूंढने में। जो बैक साइड पे सीट के पीछे जो वो जगह दी गई रखी है चीज़ों के लिए उसमें आपको हेल्प करेगी चीज़ें उठाने में। ये था मेरा बस का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।